हेलो दोस्तों। तो गाइस आज हम देखेंगे अपनी विंडोज 11 जो बैकग्राउंड इमेज है वो कैसे चेंज करनी है या फिर इसी जगह सॉलिड कलर कैसे रखने हैं। तो गाइस आपको सिंपली चले जाना है यहाँ पे सेटिंग्स में। सेटिंग्स से चले जाने के बाद आपको यहाँ पर्सनलाइजेशन पे चले जाना है। इसके बाद आप यहाँ पे काफी ऑप्शन देख पा रहे होगे। आपको चले जाना है बैकग्राउंड में। बैकग्राउंड में जाने के बाद आप यहाँ पे थीम्स देख पा रहे हो। काफी सारी थीम्स मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप इंस्टॉल कर सकते हो। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ तो अगर तो ये वाली गाइस थीम है, तो यहाँ पे देख पा रहे हो ये वाला थीम काफी अच्छी है। और यहाँ पे ये वाला बैकग्राउंड, इसमें डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट काफी सारे कलर्स जो है ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। बाकी अगर आपको रखना है, ये तो पिक्चर ऑप्शन था, अगर आपको सॉलिड कलर रखना है तो यहाँ पे सॉलिड कलर कर कई बार कईयों को ब्लैक चाहिए होता है तो ये ब्लैक कलर भी है। और यहाँ पे कोई भी चेंज कर सकते हो आप अपने हिसाब से। अब यहाँ पे देख पा रहे हो कोई भी सॉलिड कलर यहाँ पे आप रख सकते हो। और अगर आपको यहाँ पे स्लाइड शो चाहिए तो वो भी आप अपनी पिक्चर जो है सिलेक्ट कर सकते हो और उसके हिसाब से ही रख सकते हो। तो आपको ये सेटिंग्स चेंज करनी थी बस। तो आपको कैसी लगी हमारी वीडियो तो आप कमेंट्स में देकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।